हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सपोनेंट चैप्टर की कुछ लॉज हैं उनको सीखेंगे, ठीक है। जैसे दिया है, इफ़ ए अपॉन बी इज एनी रेशनल नंबर, ए और बी क्या है, कोई रेशनल नंबर है, और एन और एम उसकी इंटीजर्स में या पावर कह सकते हो, वो है, तो क्या क्या कंडीशन काम करेंगे ये अपन को लिखना भी है और लर्न भी करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी की पावर एन। देखिए रेशनल नंबर सेम दिख रहा है आपको, ए अपॉन बी, और पावर क्या है, अलग अलग है, और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। रेशनल नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाती, पावर प्लस हो जाती है, तो ए अपॉन बी बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, प्लस एम प्लस का एन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर रेशनल नंबर सेम है, ए अपॉन बी, पावर अलग अलग हैं और डिवाइड का साइन है, क्या, रेशनल नंबर सेम, पावर अलग अलग और डिवाइड का साइन, तो क्या हो जाता है, पावर सबट्रैक हो जाती है, ए अपॉन बी तो कॉमन आ गया, एक बार लिख जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक, एम माइनस का एन, ठीक है क्योंकि एम इसमें बड़ा है एन से, तब होगी। नेक्स्ट देखिए, ए अपॉन बी की पावर एम की पावर एन, जब पावर के ऊपर पावर हो, रेशनल नंबर सेम है, पावर के ऊपर पावर हो, तो क्या हो जाता, पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंटीजर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे ए अपॉन बी की पावर क्या हो गई, एम इंटू का एन, एम का मल्टीप्लाई एन में कर देंगे। फोर्थ देखिए, ए अपॉन बी की पावर एम इंटू सी अपॉन डी की पावर एम। यहाँ देखिए इंटीजर जो अपन को रेशनल नंबर क्या है, अलग दिया है, रेशनल नंबर अलग दिया है, और जिसकी पावर है वो क्या है, सेम दी है, तो क्या होगा, पूरे होल ब्रैकेट की पावर एक बन जाती है, देखो ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी की पावर एम बन जाएगी। क्या हुआ, जब इंटीजर रेशनल नंबर अपने अलग अलग हों और पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर एक बन जाती है दोनों की। ऐसे देखिए डिवाइड में, ए अपॉन बी सी अपॉन डी अलग अलग दिए हैं, पावर सेम दी है, तो क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट की पावर सेम हो जाती है, डिवाइड का डिवाइड रहेगा और पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी रेशनल नंबर की पावर अगर जीरो हो, ए अपॉन बी सी अपॉन डी डी अपॉन ए, किसी की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन। किसी की वैल्यू अगर जीरो हो पावर, तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है। अगर माइनस में दिया है, जो हमने आपको सिखा रखा था पहले से, ए अपॉन बी की पावर माइनस एन दिया हो, तो क्या हो जाता है, बी अपॉन ए पलट जाता है और पावर प्लस में आ जाती है, क्या, ए अपॉन बी की पावर अगर माइनस एन दी है तो बी अपॉन ए कन्वर्ट हो जाता है और पावर क्या हो जाती है, प्लस में। ये थे अपने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट विद इंटीजर पावर, ठीक है, इसको अपन को राइट करना है और लर्न करना है।